हेलो एंड सत श्री अकाल एवरीवन। सो ये है कंट्रोलिंग का रिवीजन लेक्चर। कल लाइव लेक्चर में हम कंट्रोलिंग के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, तो रिवीजन लेक्चर मैं अपलोड करके डालने वाली हूँ। आप इसे अपनी कंट्रोलिंग चैप्टर की रिवीजन कर लेना और कल के क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। तो पहले 7 चैप्टर मैनेजमेंट चैप्टर के जो है, मैनेजमेंट के पहले 7 चैप्टर हमारे डन हो चुके हैं। मैनेजमेंट के 4 फंक्शंस, बिजनेस एनवायरनमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और बेसिक ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट जो फर्स्ट चैप्टर है, वो सारे चैप्टर्स हमने डिस्कस कर लिए, इनके क्वेश्चंस भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर इन 7 चैप्टर में से आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, सो प्लीज उस दिक्कत को अपनी क्लियर कर लो, उन पॉइंट्स को अपनी क्लियर कर लो। अब पार्ट ए हमारा 8th चैप्टर करके कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट ए कंप्लीट होने का मतलब है कि हमारा 50 नंबर का पेपर तैयार हो रहा है। तो इस तरह से इन चैप्टर्स को तैयार करो कि अगर 50 नंबर का पेपर आ रहा है तो 50 में से कम 47 या 48 मार्क्स हमारे आए। तो 47, 48 मार्क्स तभी आएंगे जब आपको इन चैप्टर्स में से आपको पूरी क्लैरिटी होगी। इसीलिए बार बार बोल रही हूँ कि अगर कोई भी किसी भी पॉइंट में दिक्कत है, छोटी सी भी दिक्कत है ना, कमेंट करके वो अपनी दिक्कत को दूर कर लो। क्लियर? नाउ अब हम डिस्कस करते हैं, बात करते हैं कंट्रोलिंग के बारे में। कंट्रोलिंग की एक ही यूनिट है, क्वेश्चंस लेकिन इसके काफी है, यूनिट एक ही है, ठीक है। हो सकता है हम कल ही सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लें। तो समझो, देखो कंट्रोलिंग का मतलब क्या है। कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन है। पहले 4 फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग। प्लानिंग में हम प्लान करके आते हैं क्या करना है, कैसे करना है। ऑर्गेनाइजिंग में उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम स्ट्रक्चर तैयार करके आते हैं। स्टाफिंग में उस स्ट्रक्चर में काम करने वाले लोग अपॉइंट किए जाते हैं। और डायरेक्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, उन लोगों से काम इनिशिएट करवाते हैं, उन्हें डायरेक्शन देते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं, उन्हें कम्युनिकेट करके काम जो है वो इनिशिएट करवा लेते हैं। अब डायरेक्टिंग फंक्शन में हमने काम करना स्टार्ट कर दिया। कंट्रोलिंग फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, उस काम को कंट्रोल करेंगे कि जो हमने प्लान किया है, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए हैं, क्या उन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग काम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। अगर उन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा तो चेक करो कहां पर दिक्कत आ रही है। जो भी दिक्कत होगी उसको फाइंड आउट करके सॉल्व करना, ये पूरा का पूरा क्या है, आपका कंट्रोलिंग फंक्शन है। क्लियर हुई बात? कंट्रोलिंग में क्या करना है, हमें बेसिकली चेक करनी है हर एक चीज और उसे सेट करना है, कंट्रोल करना है, वेरीफाई करना है कि जो हमने प्लान किया है उस अकॉर्डिंग काम हुआ है या फिर नहीं हुआ। अगर कोई इशू आता दिख रहा है तो उस इशू को तुरंत सॉल्व कर लेना ताकि हमारे गोल्स अचीव हम कर पाए। तो कंट्रोलिंग का भी एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस में पूरे 5 फंक्शंस जो है, 5 स्टेप्स स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म किए जाते हैं। कौन कौन से वो 5 स्टेप्स हैं उनके बारे में वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो देखो, अगर आपको कंट्रोल करना है तो सबसे पहले कंट्रोलिंग करने के लिए हम करेंगे सेटिंग ऑब्जेक्टिव। कंट्रोलिंग का सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स या फिर आप लिख सकते हो सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड सेट कर लेने हैं, ऑब्जेक्टिव्स बना लेना है। तो यहाँ पर ना आप स्टैंडर्ड ही लिख लो, ऑब्जेक्टिव तो बेसिकली आप प्लानिंग में सेट कर ही आए हो। तो सेटिंग स्टैंडर्ड, तो कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है, किस क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको प्रोड्यूस करना है, ये इन सभी चीजों के रिगार्डिंग जब आप स्टैंडर्ड सेट करते हो कि एक दिन में आपको 100 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने, एक दिन में आपको 200 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने हैं, ए ग्रेड प्रोडक्ट्स, बी ग्रेड प्रोडक्ट्स, ए ग्रेड रॉ मटेरियल, बी ग्रेड रॉ मटेरियल यूज करना है, ये सारी चीजों के रिगार्डिंग जब आप स्टैंडर्ड सेट करते हो उसे हम बोलते हैं सेटिंग स्टैंडर्ड। बेसिकली स्टैंडर्ड सेट करने के पीछे मकसद क्या होता है, अगर आप स्टैंडर्ड सेट करके आओगे 100-200, तभी आप कंपैरिजन कर पाओगे कि आपने एक्चुअली कितना काम किया है, एक्चुअल जो आप काम कर रहे हो। फॉर एग्जांपल कि हमने स्टैंडर्ड सेट किया कि एक दिन में 200 यूनिट्स प्रोड्यूस होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली यूनिट्स कितनी प्रोड्यूस हो रही है, सिर्फ 80। तो अगर हम इस स्टैंडर्ड को सेट नहीं करेंगे, सिर्फ 80 यूनिट्स ही देख रहे हैं कि 80 यूनिट्स प्रोड्यूस हुई है, तो ये 20 का जो डिफरेंस आ रहा है उसे हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो इस 20 के डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए, ताकि हमें पता चल जाए कि जो हमने सोचा है वैसे काम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, इसके लिए आपको एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करके आना पड़ेगा। मतलब कंपेरिजन करने के लिए आपके पास कुछ बेस होना चाहिए, वो बेस आप किस में तैयार करके आओगे, सेटिंग स्टैंडर्ड।
मतलब स्टैंडर्ड सेट करके हम वो बेस तैयार कर रहे हैं जिसके साथ जब हम एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारी आएगी उसको कंपेयर कर सके। तो बेस क्या था मेरा 100 यूनिट्स का, एक्चुअल परफॉर्मेंस कितने की हुई मेरी 80 यूनिट्स की, तो मैंने कंपेयर करके डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया कि कितने का डिफरेंस आया है 20 का। सो सबसे पहले कंट्रोल करने के लिए, डिफरेंसेस फाइंड आउट करने के लिए कि काम हमारे प्लान अकॉर्डिंग हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, उसके लिए हमें क्या करना होगा, स्टैंडर्ड सेट करना होगा। तो स्टैंडर्ड जो आप सेट कर रहे हो वो आपका रीजनेबल होना चाहिए, मतलब कि स्टैंडर्ड ऐसा हो जो कि आप अचीव कर सको। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अचीव करने की पहुंच से इम्पॉसिबल हो अचीव करना। फॉर एग्जाम्पल कि अगर 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करना एक दिन में पॉसिबल है तो 100 यूनिट्स का ही टारगेट सेट होना चाहिए, 100 यूनिट का स्टैंडर्ड होना चाहिए। लेकिन एक दिन में 200 यूनिट्स प्रोड्यूस करना इम्पॉसिबल है और आप 200 यूनिट्स का टारगेट बना देते तो वहां पर आपका स्टैंडर्ड गलत होगा, वो टारगेट कभी अचीव हो ही नहीं सकता। जितने हमारे रिसोर्सेज है हमारे पास, उस रिसोर्सेज को यूज करके मैक्सिमम हम कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं एक दिन में 100, तो 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करना पॉसिबल है। लेकिन 200 यूनिट्स प्रोड्यूस करना अगर इम्पॉसिबल है तो वो स्टैंडर्ड आपका कभी भी सही नहीं होगा और आप कंट्रोल कभी भी नहीं कर पाओगे। तो स्टैंडर्ड जो है वो रीजनेबल होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, मतलब कि आप मेजर कर सको। हमें सेल्स इंक्रीज करनी है, ठीक है भाई कर देंगे, आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि हमें सेल्स इंक्रीज करनी है, लेकिन भाई कितनी सेल्स इंक्रीज करनी है? पहले अगर 1,00,000 सेल आई थी, आज आपको 1,10,000 करनी है, आज आपको 1,20,000 करनी है, 10% से सेल इंक्रीज करनी है, 20% से, 30% से, कितनी सेल्स आपको इंक्रीज करनी है? तो स्टैंडर्ड जो है वो आपका मेजरेबल होना चाहिए कि आप उसे मेजर कर सको कि कितना आपको इंक्रीज करना है, कितना हुआ है या फिर नहीं हुआ। अगर मैं बोलूं कि अच्छे मार्क्स लेके आने हैं तो अच्छे मार्क्स की कोई डेफिनेशन नहीं है, किसी के अकॉर्डिंग कितने अच्छे मार्क्स होंगे, किसी के अकॉर्डिंग कितने अच्छे मार्क्स होंगे। अगर मैं बोलूं कि 80 मार्क्स लेके आने, तो 80 मार्क्स को आप मेजर कर सकते हो कि 80 आए है या फिर नहीं आए। फॉर एग्जाम्पल आप 75 मार्क्स लेके आ रहे हो तो यहाँ पर मेजरेबल है ये चीज कि 5 नंबर कम आया मेरे स्टैंडर्ड से। तो स्टैंडर्ड हमेशा मेजरेबल होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, सिंपल एंड क्लियर होना चाहिए। जिन भी लोगों ने उस स्टैंडर्ड के रिगार्डिंग काम करना है, जो हमारे एम्प्लॉयज है उन्होंने उस स्टैंडर्ड को अचीव करने के लिए काम करना है, तो स्टैंडर्ड हमेशा सिंपल और क्लियर होना चाहिए ताकि सभी लोगों को स्टैंडर्ड के बारे में क्लैरिटी हो कि उन्होंने क्या अचीव करना है। फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए कि अगर कुछ चेंजेस आपको करने पड़े बिजनेस इन्वायरमेंट को देखते हुए या फिर अदर फैक्टर्स को देखते हुए, थोड़े बहुत चेंजेस अगर आपको स्टैंडर्ड में करने की ज़रूरत पड़ रही है तो वो फ्लेक्सिबिलिटी भी आपके स्टैंडर्ड में होनी चाहिए कि आप उसे चेंज कर सको। ये सारी चीज़ें आपके स्टैंडर्ड में होनी चाहिए। प्लस लास्ट एक और चीज़, जब आप स्टैंडर्ड सेट करोगे तो उस स्टैंडर्ड को सेट करते वक्त आपको एक और चीज़ सेट करनी है, डेविएशन टॉलरेंस लिमिट। अगर मैं बोलूं 80 अच्छे मार्क्स है, 80 मार्क्स लेके आने, आप 79 लेके आते हो, 79.5, 79, 78.5, 78, ये सारे क्या है, 80 मार्क्स के नज़दीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आए कितने हैं 60, बोला कितना था 80 मार्क्स, तो 20 मार्क्स का डिफरेंस यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो बेसिकली डेविएशन टॉलरेंस लिमिट जो है वो भी यही चीज बोलती है कि डिफरेंस अगर क्रिएट हो रहा है और उस डिफरेंस को आप अगर टॉलरेट कर पा रहे हो तो वो लिमिट भी आपको एक सेट करके आनी है। मतलब कि अगर आपने 100 यूनिट्स का टारगेट रखा था, 100 यूनिट्स का स्टैंडर्ड सेट किया था और आप 98 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पा रहे हो तो डिफरेंस कितने का है, सिर्फ 2 यूनिट्स का। तो देखो 2 यूनिट्स का जो डिफरेंस आ रहा है उसे हम टॉलरेट कर लेंगे, मतलब कि थोड़ा सा और एफिशिएंसी से काम करेंगे तो ये 2 यूनिट्स का टारगेट भी हम अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर टारगेट 100 यूनिट्स का था और बन कितने रहे 70 यूनिट्स, तो 30 यूनिट्स का जो डिफरेंस आ रहा है इससे यहाँ पर मुझे दिक्कत है, इस चीज को अचीव करने में मुझे ज्यादा मेहनत लगेगी। सो ये जो 2 यूनिट्स
कि कितने यूनिट्स तक आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो लिमिट भी आपको सेट करके आनी होगी जब आप स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो। तो डेविएशन टॉलरेंस लिमिट बेसिकली वही है कि डेविएशन मतलब जो चेंज आ रहा है वो चेंज कितना आप टॉलरेट कर सकते हो। दो यूनिट्स का चेंज आ रहा है, तीन चार पाँच, पाँच यूनिट्स तक अगर मेरा चेंज आ रहा है, पाँच यूनिट्स तक अगर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है तो उसे मैं टॉलरेट कर सकती हूँ। लेकिन अगर पाँच से ज़्यादा का डिफरेंस क्रिएट होगा तो वो मैं टॉलरेट नहीं कर सकती, तो वहाँ पर मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। सो स्टैंडर्ड बड़ा, हंड्रेड यूनिट्स का स्टैंडर्ड सेट करते वक्त आपको एक छोटा डेविएशन टॉलरेंस लिमिट का स्टैंडर्ड भी सेट करना होगा। फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, या फिर इसमें कोई डाउट? क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट, सेटिंग स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड रीजनेबल हो, क्लियर हो, सिंपल हो, मेजरेबल हो, और एक आपको डेविएशन टॉलरेंस लिमिट भी सेट करनी चाहिए जब भी आप स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो तब। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। कंट्रोलिंग प्रोसेस का सेकेंड पॉइंट है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। 100 यूनिट्स एक दिन में प्रोड्यूस होनी चाहिए, ये हमारा क्या हो गया? स्टैंडर्ड। ये हमने क्या सेट कर दिया? स्टैंडर्ड सेट कर दिया। लेकिन एक्चुअल में हमने प्रोड्यूस कितनी की है? हमने प्रोड्यूस की है 95 यूनिट्स प्रोड्यूस की है, तो 95 यूनिट्स मेजर करना क्या हो गया? एक्चुअल परफॉर्मेंस। सबसे पहले कंट्रोलिंग करते वक्त हम एक स्टैंडर्ड सेट करके आएंगे कि इतना काम होना चाहिए, देन उसके बाद कितना काम हुआ है उसकी हम क्या करेंगे? मेजरमेंट करेंगे, ताकि थर्ड स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग में हम क्या कर सके? कंपैरिजन। थर्ड स्टेप में हम क्या कर सके? कंपैरिजन। तो 100 यूनिट्स का टारगेट था, कितना अचीव हुआ है? 95। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 5 यूनिट्स का डिफरेंस आ रहा है। तो कंपैरिजन आपका हो गया थर्ड स्टेप, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। पहले में स्टैंडर्ड सेट किया, दूसरे में एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया, तीसरे में कंपैरिजन फाइंड आउट किया कि डेविएशन जो है वो कितने की आ रही है। सो डेविएशन जो है वो आपके पास तीन तरह की होती है, पॉजिटिव डेविएशन, जीरो डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। अगर आपने 100 यूनिट्स का टारगेट सेट किया था और आपने जो प्रोडक्शन की है वो 120 यूनिट्स की कर ली, तो 20 यूनिट्स जो है वो आप ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो टारगेट से, जो भी स्टैंडर्ड सेट किया से उससे ज्यादा 20 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो, तो ये होती है पॉजिटिव डेविएशन। 100 यूनिट सेट किए थे लेकिन 80 बनी है, स्टैंडर्ड से 20 कम बन रही है, तो वो हो गया आपका नेगेटिव डेविएशन। 100 सेट किया था और 100 ही प्रोड्यूस की है, कोई चेंज नहीं आया, तो उसे बोलते हैं जीरो डेविएशन। और अगर कम बन रही है स्टैंडर्ड से वो नेगेटिव है, अगर स्टैंडर्ड से ज्यादा बन रहे हैं तो उसे हम पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं। सो देखो, अगर आपकी जीरो डेविएशन आ रही है तो यहाँ पर आपको कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पर आपको एक्शन लेना पड़ेगा। नेगेटिव पर देखो क्लियर ही है कि जो सोचा था उसके अकॉर्डिंग काम नहीं हो, तो वहां पर तो हमें एक्शन लेना ही लेना है, बट पॉजिटिव पर भी लेना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, आपको पॉजिटिव पर भी एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपकी पॉजिटिव डेविएशन आ रही है, मतलब आपने 100 यूनिट सोचा था कि इतने ही एक दिन में बन सकते हैं लेकिन बना 120 रहे, तो कहीं क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हुआ या फिर कोई चीज में गलती तो नहीं? ये सारी चीजें आपको चेक करना पड़ेगा कि अगर ज्यादा यूनिट्स बन रही है तो वहां पर किसी भी तरह से कि कोई कमी तो नहीं रह गई ही है जो भी आपने आउटपुट प्रोड्यूस की है, क्वालिटी वाइज या फिर किसी भी तरह से। तो यहाँ पर भी आपको कंसर्न लेना पड़ेगा और नेगेटिव में भी आपको कंसर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है एनालाइजिंग डेविएशन। कंपैरिजन करके हमने डेविएशन फाइंड आउट कर ली, नेक्स्ट स्टेप होता है एनालाइजिंग डेविएशन, कि डेविएशन जो है वो किस
कारण आई है उसको हमें एनालाइज करना है। तो जब भी आप डेविएशन को एनालाइज करते हो ना, तो वहां पर हम कुछ चीजें चेक करते हैं। सबसे पहले चीज चेक की जाती है कि क्या जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था वो अटेन हो गया। अगर जो स्टैंडर्ड सेट किया था वो अटेन हो चुका है तो आपको कोई भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, देन आप अगर आगे फर्दर काम अपना स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर स्टैंडर्ड आपका अटेन नहीं हुआ तो जो डेविएशन आई है, अगर स्टैंडर्ड अटेन नहीं हुआ तो जो डेविएशन आई है क्या वो डेविएशन एक्सेप्टेबल है, मतलब डेविएशन टॉलरेंस लिमिट। जैसे हम 5 यूनिट सेट करके आए थे कि अगर 5 यूनिट्स कम भी बन रही है तो मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मैं अपने काम को कंटिन्यू रख सकती हूँ। लेकिन हाँ, अगर 20 यूनिट कम बन रही है तो मुझे फर्क पड़ेगा। तो जो डेविएशन आई है क्या वो टॉलरेट लिमिट टॉलरेंस लिमिट के अंडर आई है या फिर टॉलरेंस लिमिट से भी ज़्यादा डेविएशन है, वो चीज़ हम चेक करेंगे कि डेविएशन एक्सेप्टेबल है या फिर नहीं है। अगर डेविएशन एक्सेप्टेबल है देन ओके, काम स्टार्ट रखो। अगर डेविएशन एक्सेप्टेबल नहीं है, काम रोको और चेक करो। नेक्स्ट चीज कि जो स्टैंडर्ड सेट किया था क्या वो एक्सेप्टेबल है, क्या वो जो स्टैंडर्ड सेट किया था क्या वो रीजनेबल था, अचीव होने वाला था। अगर हाँ था तो इस डेविएशन का कॉज फाइंड आउट करो कि ये डेविएशन क्यों आई है। अगर वो रीजनेबल नहीं था, अटेन होने वाला नहीं था, देन क्या करो, रिवाइज योर स्टैंडर्ड। तो ये 4-5 चीजें मतलब कि एनालाइज करते वक्त इस तरह से एनालाइजिंग की जाती है कि सबसे पहले देख लिया कि स्टैंडर्ड अचीव हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर स्टैंडर्ड अचीव हो गया ओके, तो नहीं कुछ करना, काम स्टार्ट रखो। अगर नहीं अचीव हुआ तो डेविएशन देखो कितने की आई है, वो डेविएशन आप एक्सेप्ट कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते। अगर डेविएशन एक्सेप्ट नहीं है तो फिर डेविएशन को सही करने से पहले, चेंजेस को देखने से पहले हम लोग देखेंगे कि क्या स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल था, जो स्टैंडर्ड हमने सेट किया वो रीजनेबल था या फिर नहीं था। अगर स्टैंडर्ड रीजनेबल था ओके है, डेविएशन को सही करो। अगर स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल नहीं था तो पहले स्टैंडर्ड को चेंज करो, देन काम को फिर से स्टार्ट करो। तो इस तरह से एनालाइजिंग की जाती है। अब एनालाइजिंग करते वक्त यहाँ पर आपकी बुक में दो प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है जब भी आप डेविएशंस देखते हो। तो डेविएशन टॉलरेंस लिमिट के रिगार्डिंग ये दो प्रिंसिपल्स हैं। एक प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल, प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल, और दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ये देखो दोनों इंपॉर्टेंट हैं, पढ़ लेना कि क्या दिया हुआ है इन दोनों में। प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल में क्या कहा हुआ है कि देखो यार काम बहुत तरह के हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो जो भी आप एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म कर रहे हो उन एक्टिविटीज में से कुछ एक्टिविटीज बहुत ही ज्यादा की एक्टिविटीज होती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होती है, और कुछ एक्टिविटीज जो बाकी कामों के लिए हमें परफॉर्म करनी होती है। So, अगर बाकी एक्टिविटीज में कोई भी डिफरेंस आ रहा है, वहां पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो मैनेजर्स खुद ब खुद सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर जो की एक्टिविटीज है ऑर्गेनाइजेशन की, जो की मेन एक्टिविटी है ऑर्गेनाइजेशन की, वहां पर अगर कोई डेविएशन अराइज हो रही है तो वहां पर टॉप मैनेजमेंट को आकर देखना होगा, उन्हें एनालाइज करना होगा। बेसिकली यहाँ पर डेविएशन टॉलरेंस लिमिट के रिगार्डिंग ही ये दो प्रिंसिपल दिए हुए हैं कि बहुत सारी एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं, उनमें से अगर कम इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज, जो बाकी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है उनमें अगर कोई फर्क आ रहा है, उनमें कोई दिक्कत आ रही है, तो वो मैनेजर्स खुद ब खुद सॉल्व कर सकते हैं, टॉप मैनेजमेंट को हमें परेशान करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट की एरियाज है ऑर्गेनाइजेशन के, उनमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वहां पर हमें टॉप मैनेजमेंट को परेशान करना होगा, उन्हें ये सारी चीजें कंसिडर करनी होगी। इसी तरह मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन ये प्रिंसिपल हमें बोलता है कि अगर आपने डेविएशन टॉलरेंस लिमिट सेट की हुई है, जब आपने स्टैंडर्ड सेट किया था तो आपने डेविएशन टॉलरेंस लिमिट भी सेट की थी कि अगर
100 यूनिट्स का टारगेट है और 5 यूनिट्स कम भी बनती है तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर तो डेविएशन आपकी इन 5 यूनिट्स के अंडर आ रही है तो आप देख लो, टॉप मैनेजमेंट को परेशान करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इन डेविएशन टॉलरेंस लिमिट से ज्यादा का डिफरेंस आ रहा है, ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं, तो वहां पर टॉप मैनेजमेंट को कंसीडर करना होगा। तो बेसिकली ये एक्सेप्शन बोलता है कि हर एक डेविएशन पर आपको एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका जो चेंज है वो डेविएशन टॉलरेंस लिमिट के अंदर आ रहा है तो काम करते रहो और साथ साथ उस चीज को सही भी करते रहो ताकि ये डेविएशन जो है वो भी खत्म हो जाए। लेकिन अगर डेविएशन बहुत ही ज्यादा आ रही है तो वहां पर एक बार काम को रोक कर उन डेविएशन को सॉल्व करके देन फर्दर प्रोसीड करो। तो ये दो प्रिंसिपल्स है, इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ लेना। समझ आ गया? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट है हमारे पास, डेविएशंस एनालाइज कर ली, फाइंड आउट कर ली क्या क्या किन चीजों के कारण डिफरेंस आ रहे हैं, तो लो उसके बाद कुरेक्टिव एक्शन, टेकिंग कुरेक्टिव एक्शंस लास्ट स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस। स्टैंडर्ड सेट किया, एक्चुअली देखा कितना परफॉर्म हुआ है, कंपेयर करके देखा कितना कम ज्यादा हुआ है, जो कम ज्यादा हुआ है उसको एनालाइज किया, रिसर्च किया कि क्यों कम ज्यादा हुआ है, रीजंस फाइंड आउट के, जो रीजंस आपको ढूंढे हैं आपने ढूंढे हैं उनके ऊपर एक्शन लेकर चीजें सही कर दो, आपका कंट्रोलिंग प्रोसेस सॉल्व हो जाएगा। बेसिकली कंट्रोलिंग करने से क्या होता है कि जो प्लानिंग करके आए हो ना उससे आप नजदीक जाते हो और अपने ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। कि अगर आप प्लान करके आ रहे हो, काम कर रहे हो, बट ऑब्जेक्टिव्स काम पर कंटिन्यूसली वॉच नहीं रख रहे, उसे कंट्रोल नहीं कर रहे, तो हो सकता है कि आपको एंड में जाके पता चलेगा कि आपका ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ। लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली वॉच रख रहे हो अपने ऑब्जेक्टिव पर, अपने एक्शंस के ऊपर, तो जो भी फर्क आपको इन प्रोसेस आ रहा है, इन प्रोग्रेस आ रहा है, वो आप साथ के साथ सॉल्व करते जाओ तो आपको इजिली आपके गोल जो है वो अचीव कर पाओगे। बताओ इतनी बातें क्लियर होगी? यहाँ पर हम ले लेंगे करेक्टिव एक्शंस। तो कंट्रोलिंग चैप्टर में हमें कंट्रोलिंग का मीनिंग दिया हुआ है, कंट्रोलिंग का प्रोसेस दिया हुआ है, फीचर्स और इम्पोर्टेंस दिए हुए हैं। मीनिंग और प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया, नाउ अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग। वैसे तो ये रिविजन लेक्चर था तो काफी डिटेल में ही मैंने आपको सारी चीजें समझाई है, फिर भी अगर कुछ नहीं समझ आता तो प्लीज कमेंट कर देना, ठीक है? नाउ फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन। सबसे पहला फीचर है फंडामेंटल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंडामेंटल मतलब कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मैनेजमेंट में से आप इस फंक्शन को अलग नहीं कर सकते। अगर आप इस फंक्शन को मैनेजमेंट से अलग करते हो तो आपकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं होगी, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम नहीं होगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। थर्ड है परवेजिव फंक्शन है, सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पर ही नहीं बल्कि बाकी हर एक जगह जहां पर भी आप ग्रुप एक्टिविटीज के साथ प्लान करके कुछ ना कुछ गोल अचीव करना चाहते हो तो वहां पर आपको कंट्रोलिंग करनी ही पड़ेगी। थर्ड पॉइंट है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कंट्रोलिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, एक बार ऐसा नहीं है कि आपने एक बार चेक कर लिया देन उसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी चेक करने की, ये तो कॉन्टिन्यूसली आपको चेकिंग करते रहना ही पड़ेगा। कंट्रोलिंग जो है वो बोथ बिगनिंग एंड एंडिंग ऑफ द मैनेजमेंट है, मतलब कि जो स्टैंडर्ड सेट करते हैं हम वो प्लानिंग फंक्शन में ही स्टैंडर्ड बेसिकली सेट किया जाता है, तो कंट्रोलिंग जो है वो स्टार्टिंग से ही आपकी स्टार्ट हो जाती है और एंड तक आपकी ये चलती है। कंट्रोलिंग जो है वो रिलेटेड टू रिजल्ट्स होती है। बेसिकली कंट्रोल हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम अपने डिजायर ऑब्जेक्टिव्स को क्लोजली लेके जा सके रिजल्ट्स के। सो ये 5 फंक्शंस फीचर्स हैं कंट्रोलिंग के। फंडामेंटल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, परवेजिव है, कंटीन्यूअस प्रोसेस है, बोथ बिगनिंग एंड एंडिंग ऑफ द मैनेजमेंट है, और रिलेटेड टू रिजल्ट्स है कि ये रिजल्ट से रिलेटेड होती है। नाउ लास्ट टॉपिक है कंट्रोलिंग का हमारे पास, इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग करने से हमें क्या क्या हेल्प मिलती है? सो देखो कंट्रोलिंग करने से आपको काफ़ी चीज़ों में हेल्प मिलती है। सबसे पहले आपको हेल्प किस में मिलती है कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं वो पूरे होते हैं। तो कंट्रोलिंग हेल्प्स इन अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स।
कंट्रोलिंग हमें अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, जो आप स्टैंडर्ड्स सेट करके आए हो उनकी एक्यूरेसी भी आप कंट्रोलिंग फंक्शन में चेक कर सकते हो। देखो, हमने एनालाइजिंग डेविएशन में ये चीज़ देखी ना कि स्टैंडर्ड अचीव हुआ या फिर नहीं हुआ, नहीं हुआ डेविएशन आई है, डेविएशन एक्सेप्टेबल है या फिर नहीं है। अगर डेविएशन एक्सेप्टेबल नहीं है तो फिर हम क्या देखते हैं कि जो स्टैंडर्ड हमने सेट किया क्या वो सही था। तो वहाँ पर बेसिकली आप क्या कर रहे हो, स्टैंडर्ड की एक्यूरेसी चेक कर रहे हो कि स्टैंडर्ड आपने सही सेट किया भी है या फिर अपनी पहुँच से बाहर का स्टैंडर्ड सेट किया। तो जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स की एक्यूरेसी चेक करने भी हमें हेल्प मिलती है। मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, कंट्रोलिंग हमें हेल्प करता है एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज करने में, क्योंकि जो भी आप डेविएशंस आ रही हैं, डेविएशंस का आने का क्या मतलब है कि आप अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर रहे, तो एनालाइज करके वो चीजें हम लोग क्या करते हैं, करेक्टिव एक्शन देते हैं और अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज भी करते हैं। एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए भी काम आती है कंट्रोलिंग। कैसे आएगी, जब आप हर एक एक्टिविटी पर कंट्रोल कर रहे हो, चेक रख रहे हो, तो वहां पर एम्प्लॉयज के लिए ये नेगेटिव मोटिवेशन के लिए भी काम कर सकती है कि हमारी एक्टिविटीज पर ध्यान दिया जा रहा है, हमारी परफॉर्मेंस कैसी हो रही है कैसी नहीं हो रही। तो वो इस तरह से अगर हम उनके ऊपर कंटिन्यूसली चेक रखेंगे तो वो अच्छा काम करेंगे, सिंपल सी बात है। तो एम्प्लॉय मोटिवेशन में भी ये हमें हेल्प करती है। इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, सिमिलरली देखो, अगर एम्प्लॉयज मोटिवेटेड फील करेंगे, अच्छे से काम करेंगे, तो बेसिकली क्या हो रहा है, ऑर्डर और डिसिप्लिन हम ऑर्गेनाइजेशन में इंश्योर कर पाएंगे। लास्ट पॉइंट है, फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करने में भी कंट्रोलिंग हमें हेल्प करेगा। कोऑर्डिनेशन कैसे एस्टेब्लिश करने में, अगर हम अपने एक्शंस को, हम अपने स्टैंडर्ड्स को अचीव नहीं कर पा रहे, कोई डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, डेविएशन आ रही है, तो उसका क्या मतलब है कि हमारे जो एफर्ट्स हैं वो इंटीग्रेटेड यानी कि एक ही डायरेक्शन में नहीं लग रहे, हमारे में कोऑर्डिनेशन नहीं है, मतलब रीजन हो सकता है ये। तो बाय टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, बाय एनालाइजिंग डेविएशंस, आप अपने एक्शंस में क्या लेके आ सकते हो, कोऑर्डिनेशन भी लेके आ सकते हो। सो ये इंपॉर्टेंस है हमारे पास कंट्रोलिंग फंक्शन की। एकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशन गोल्स पूरे करने में हेल्प करता है कंट्रोलिंग, स्टैंडर्ड्स की एक्यूरेसी जज करने में हेल्प करता है, जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनका एफिशिएंट यूज करने में हमें हेल्प करता है, और एम्प्लॉय मोटिवेशन ऑर्डर डिसिप्लिन इंश्योर करने में हेल्प करता है, और कोऑर्डिनेशन भी एस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है। सो दैट्स इट, यही था हमारा आज का रिवीजन लेक्चर, और इतना ही टॉपिक था कंट्रोलिंग चैप्टर में, छोटा सा ही चैप्टर है। सो इसको अच्छे से पढ़ लेना, कंप्लीट कर लेना, कोई भी पॉइंट में अभी भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, या फिर सुबह मॉर्निंग में लाइव क्लास पे पूछ लेना। सो कल 7:40 पर हमारी लाइव क्लास होगी जिसमें हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। सो ओके, मिलते हैं कल, बी प्रिपेयर।